हे गाइस, दिस इज़ मी आद्या एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। सो आज मैं आपको एक्सप्लोर करवा रही हूँ दिल्ली की एक ऐसी मार्केट जो कि जादुई है, और यहाँ पर आने के लिए आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लगती ही संडे को है। बस जल्दी से सुबह उठकर आपको 30,000 आरके आश्रम या पुलबंगज मेट्रो स्टेशन पर आना है, एग्जिट करना है और उन्हें बोलना है कि आपको जाना है सदर बाज़ार। तो सदर बाज़ार में भी बहुत सारी रोड और बहुत सारी मार्केट्स लगती हैं। आज जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है आपकी फेवरेट कुतुब रोड का, जहाँ पर कभी भी कुछ भी आ जाता है। यहाँ पे कबाड़ में भी सोना निकल जाए ऐसा कलेक्शन है। तो वीडियो में ना कई सारे शॉपकीपर्स का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर किया है ताकि आप कॉन्टैक्ट करके जा सकें। वो इसलिए नहीं है कि आप घर बैठे ऑर्डर दे दो 50,000 का, कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वेरी आप कर सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि सदर बाज़ार में आप मंडे टू सैटरडे आके भी बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। जिन लोगों को धक्का मुक्की पसंद नहीं है ना, वो लोग आराम से संडे के अलावा भी सदर बाज़ार में आके शॉपिंग कर सकते हैं। ये सब वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। आपको शादी की शॉपिंग करनी है, करवा चौथ की करनी है, दिवाली की करनी है, बच्चों की करनी है, घर के सामान की करनी है, क्रॉकरी की, बर्तनों की, सब कुछ आपको इस मार्केट में मिल जाएगा मंडे टू सैटरडे भी। तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो मैं इस वक्त खड़ी हूँ मिठाई पुल में, और सामने जो आप देख रहे हैं ये है अवंती बाई जी का पुल। अब जिस तरफ अवंती बाई जी ने तलवार पकड़ी हुई है उसी दिशा में आपको जाना है कुतुब रोड के लिए, जो आज पूरा ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और अगर आप अवंती बाई जी के घोड़े के सामने की तरफ जाएंगे तो ये सारा बिल्ली कोठी का ड्राई फ्रूट मार्केट है, ठीक है। तो हम तलवार वाली साइड में जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अवंती बाई जी के स्टैचू के बिल्कुल पास जो कुछ दुकानें लग रही हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सेल है यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ की, जैसी मर्जी आप यहाँ से फुटवेयर ले सकते हो, बच्चों का, बड़ों का, लेडीज़ का, सब कुछ एक ही सेल में है। कई बार क्या है, मार्केट पहुँच के भी लोगों की चप्पल टूट जाती है, तो ऑप्शन ही ऑप्शन है बहुत सारे। इनके बिल्कुल बाजू में यहाँ पर आपको मिल जाएगी लंबी चौड़ी हैवी डिज़ाइन वाली ये बेडशीट्स। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ये कहते हैं इसको ग्लेस कॉटन। अब विंटर्स आ रही हैं, ग्लेस कॉटन आपको जो है कोई परेशानी नहीं करने वाला। तो ये 90x90 का साइज़ है, दो लोगे तो 250 रुपये की है, एक लोगे तो 150 रुपये की है। अब इसमें डिज़ाइन बहुत सारे हैं, और ये अंकल आंटी जो भी बेडशीट ले रहे थे बहुत समझदारी दिखा रहे थे कि पूरा पीस ओपन करके चेक करके ले रहे हैं, तो आपको भी यही करना है, ठीक है। बस ऊपर ऊपर से देख के पैक नहीं करवा लेना है, कोई भी चीज़ आगे पीछे ठोक बजा के उसके बाद परचेज़ करना है। तो भैया के पास में ये जो मैंने बेडशीट दिखाई इसमें पिल्लो कवर नहीं था। सामने जो आप देख रहे हैं सारा टॉवल का कलेक्शन है इनका 100 रुपीज़ का। अगर आपको पिल्लो के साथ में चाहिए, तकिया के कवर के साथ में चाहिए, तो आपको देने होंगे 200 रुपीज़। तो ये भी डबल बेड की है, क्वीन साइज विद पिल्लो कवर, तो ये रहेगी 200 में। पैकेट से निकलवाइए, पूरा ओपन करिए, चेक करिए, उसके बाद लेना। तो ये ऊपर मैंने आपको स्टैचू दिखाया, उसके नीचे ठीक भैया की शॉप लगती है। इनके पास में ना आपको बच्चों के कॉटन की फ्रॉक्स मिल जाएंगी, बड़े साइज़ भी हैं, छोटे साइज़ भी हैं, और क्या है इसमें कि 150 की 2 और 250 की 2 ऐसे वाले रेट हैं। कोई भी 2 आप पसंद कर सकते हो, 150 की और 250 वाली, 250 मतलब बड़े साइज़ है उसमें। आगे यहाँ पर लड़कों के कपड़ों की बहुत भरमार है। जब आप कुतुब रोड में आगे तक चले जाओगे ना, जहाँ पे कि आपका सदर बाज़ार मेन रोड आता है उससे भी आगे, तो वहाँ पर भी सारा का सारा आपको लड़कों के कपड़ों का बहुत कलेक्शन मिलेगा। 150 का सेल है, कुछ भी आप आइटम पिक कर सकते हो, और सारा का सारा फ्रेश है, यूज्ड या सेकंड हैंड नहीं था। बॉयज़ के लिए यहाँ पे बेल्ट मिल जाएगी, कलर्स बहुत सारे हैं, ब्लैक, ब्राउन, मस्टर्ड सब मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे सेल है फुटवेयर की, इनके फुटवेयर पहले वाले से काफ़ी हटके थे, थोड़े और फैंसी में मिल जाएंगे। अगर आपने टी शर्ट या शर्ट परचेज़ कर लिए तो उसके साथ में पेयर करने के लिए ट्राउज़र भी आप यहाँ से ले सकते हो। फैब्रिक सही है, और थोड़ा किसी में आपको स्ट्रेच भी देखने को मिलेगा। एक तो थोड़ा सिंथेटिक वाला फैब्रिक होता है, और एक जो कॉटन का होता है हॉजरी वाला मटेरियल, वो भी इनके पास में मिल जाएगा। करवा चौथ, दिवाली, शादी स्पेशल, यहाँ पर पूरा चूड़ों का सेल है। और अगर आपको ज़्यादा महंगे नहीं चाहिए, डेली यूज़ के लिए चाहिए, तो 50 में 3 आप कोई भी बैंगल्स इसमें से ले सकते हो। जैसे मान लो सिल्वर एक ले लिया आपने, एक ये ऑरेंज ले ली, एक मल्टी कलर ले ली, और फिर आपने उनको 50 रुपये दे दिए। सिंगल लोगे तो 20 रुपये का पड़ेगा। इसके बाद ना ऐसी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ जो कोई और कभी नहीं दिखाएगा,
जो चीज़ें हमारे डेली यूज़ की छोटी छोटी होती है ना, लेकिन हम सोचते हैं यार कहाँ ही मिलेगा, वो यहीं मिलता है कुतुब रोड में। तो इनके पास में गैस चूल्हा भी है, इनके पास में गैस का नॉब है, कुकर के सभी आइटम हैं, उसका सीटी, वॉशर, कुकर की जो रबड़ होती है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पीतल वाले चूल्हे, सब कुछ इनके पास में मिल जाता है। आगे यहाँ पे आपको गर्ल्स के कॉलेज के मतलब के बैग मिल जाएंगे। पीछे जो है वो हैवी क्वालिटी में है, अभी जो भैया ने मुझे दिखाया ये थोड़ा सा लो क्वालिटी, मतलब क्या बोलूँ, स्टिचिंग का फ़र्क होता है, कपड़े का थोड़ा फ़र्क होता है। पीछे वाला जो है ये थोड़ा सा ऊपर के रेंज में है, 300 रुपये का, तो वो देखिए वो है पुतला अवंती बाई जी का, और उससे ठीक मैं राइट साइड में मुड़ चुकी हूँ, ये सभी शॉप्स आपको राइट साइड में मिलेंगी। मार्केट में जगह जगह ऐसे आपको दुपट्टों के स्टॉल मिल जाएंगे, जो कि आपको 100 से 150 रुपये तक की रेंज में मिल जाते हैं। आगे एक भैया ने ना ये पेपर की दुकान लगा रखी थी, अब शायद इसे आप रैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मिठाई के डब्बे वगैरह पैक करने हो, या फिर आप इसे कई लोग शेल्फ में भी बिछाते हैं किचन की या कहीं और, तो ये आप ले सकते हो। इसमें से निकाल के वो एक नहीं देंगे, आपको पूरा पैकेट ही लेना है। अब जो मैं भैया की दुकान दिखा रही हूँ, पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे लड़कों के सिले सिलाए कपड़े मिलते हैं, छोटे बच्चों के, बॉयज़ में, इसमें आपको 13-14 साल तक का साइज़ मिल जाएगा, और एक ही रेट है, चाहे आप शर्ट ले लो, चाहे आप पैंट ले लो, ये भी सारा का सारा फ्रेश है, ये यूज्ड कपड़े नहीं हैं, किसी के पहने हुए कपड़े नहीं है, सारा का सारा फ्रेश आर्टिकल है। और यहाँ देखिए पैंट्स, मतलब आपने वहाँ पे एक येलो शर्ट ले ली, यहाँ से पैंट ले ली, सेट आपका बन गया मात्र 200 रुपये में, और सिलाई भी अच्छी है, जिस रेट में वो दे रहे हैं बिल्कुल सही कपड़ा है। तो इनकी दुकान में फिर से आपको दिखा रही हूँ, देखिए वहाँ पे मैंने अवंती बाई जी का स्टैचू दिखाया है, और यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे ना पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के ठीक सामने ये भैया अपनी दुकान लगाते हैं, और मेरा वीडियो देख के जाओ तो उनको बोल भी देना ज़रूर कि आद्या का वीडियो देख कर आए हैं। इसके बाद इनके सामने ना एक बैंगल वाले भैया शॉप लगाते हैं, बड़े नखरे वाले हैं यार, एक तो मैं जाती भी इनके पास में सुबह ही हूँ, तो इनको लगता है कि यार बोनी से पहले यूट्यूबर ना आ जाए, लेकिन मैं पहुँच जाती हूँ। तो ये और इनके बगल में ये जो सूट वाले भैया, ये दोनों ही ऐसे हैं बाद में आना, अरे यार कौन आता है सदर में बाद में घूम के, इतने धक्के लगते हैं सीधा घर ही पहुँचते हैं हम तो। सो ये 250 रुपये में ना इनके पास में प्योर कॉटन के सिले सिलाए सूट मिल जाएंगे, इसमें दुपट्टा नहीं होता, कुर्ती प्लाजो रहता है। फिर यहाँ पर मैंने देखी बहुत ही सुंदर सुंदर एंकलेट्स, जो कि आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगी, आर्टिफिशियल गोल्ड की यहाँ पर रिंग आपको मिल जाती है, जिसमें कि सबके डिज़ाइन अलग अलग है, तो कोई 10, 20, 30, 50 सारी रेंज है। इनके बाजू में एक भैया पेंडेंट सेट बेच रहे थे, और इनके पास में कुछ ज्वेलरी के नेकलेसेस वगैरह भी थे, जिसमें बहुत सारी आंटियों की भीड़ लगी हुई थी। तो अवंती बाई लोधी चौक का मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे बस इसी के आगे ये भैया की शॉप लगती है। इनके बाद आप आगे बढ़ोगे ना तो थोड़ा सा रास्ता राइट में जाता है, लेफ्ट में जाता है, मतलब एक ही रोड पर, क्योंकि बीच बीच में मेट्रो का काम हो रहा है, तो शायद कुछ भीड़ इधर जाए उधर जाए, बस आपको जो पसंद आए आप वो लो, अपने पर्स मोबाइल का ध्यान रखना। तो ये एक भैया हैं जो कि सारा बृंदनवार वगैरह तोरण ऐसा रखते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पे बॉयज़ के शर्ट मिल रहे हैं, एक वही फिक्स सेल प्राइस है, और ये सारा फ्रेश कलेक्शन है। अगर आपका साइज़ एक्सेल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल है ना, तो बॉयज़ में इनके पास में सही आपको कपड़े मिल जाएंगे। कॉटन का चाहिए या थोड़ा सा मिक्स फैब्रिक चाहिए, कुछ भी आइटम ले लो। यहाँ से जब मैं आगे बढ़ रही थी, मेरी नज़र पड़ी इस कबाड़ पे, जो कि आगे तो सारा टूटा फूटा ही लग रहा है, और कुछ जो खोमचे वाले भैयों का स्टैंड होता है वो यहाँ पर मिल रहा था, बट पीछे मैंने यहाँ पे प्रॉपर शॉप देखी है केन आइटम्स की। मतलब आपने देखा होगा कई लोग अपने बालकनी में केन की चेयर्स रखते हैं, कई जगह आज भी केन का फर्नीचर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। सो इनका कार्ड मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। भैया ने मुझे केन वाली चेयर उतार के दिखाई, ये ना 4 का सेट है, मतलब इसमें 4 आपको चेयर मिलेंगी और एक टेबल मिलेगा, तो इसका पूरा सेट का प्राइस मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है। अब आप कमेंट करके बताओ कि ये प्राइस सही है, जेन्युइन है कि नहीं, मतलब महंगा है या ठीक ठीक है। अगर आप में से कोई केन का फर्नीचर यूज़ करता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इनमें जो चेयर के डिज़ाइंस है वो भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे। इनके पास में मूढ़े भी हैं, इसके बास्केट वगैरह ऐसे सब मिल जाता है, ठीक है। बाकी आप आना चाहो या कोई आपको प्रोडक्ट लेना है, कॉल करके एक बार एडवांस में पता कर लेना, फिर आना। आगे आपको जगह जगह स्टील के, एल्युमिनियम के बर्तनों की यहाँ पे शॉप्स देखने को मिलेंगी। जैसे ये सारे चमचे हैं, 50 की सेल है, कोई स्टील की प्लेटें वगैरह हैं जो कि 20, 30, 50 अलग अलग रेट में मिल जाती है। और बच्चों के जो खिलौने हैं वो भी भर भर के फिलहाल मार्केट में आए हुए हैं। आप अगर मंडे टू सैटरडे सदर बाज़ार विजिट करोगे तब आपको खिलौनों के रिटेल में इतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जितने कि संडे को मिलते हैं, इसीलिए संडे को इतनी भीड़ होती है भाई, सारा का सारा होलसेल वाले लोग रिटेल में बेच रहे होते हैं इतने अच्छे अच्छे रेट। ये डॉल जो है डॉक्टर है, लेकिन ये पागलों का डॉक्टर लग रहा था, और छोटू क्यूटू सा एक सरदार डॉल भी है यहाँ पे। मतलब आप एक बार आओ, बच्चों के सारे खिलौने एक बार
बार में भर के ले जाओ। और किसी को अगर बिल्कुल इम्पोर्टेड वाली डॉल चाहिए कल कम रेट में, तो वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे सामने आप देखोगे क्या लिखा था, एक मिनट, हाँ, गुजरात ग्लासेस कंपनी लिखा हुआ है। इसके ठीक सामने भैया यहाँ पे बैठते हैं और संडे के दिन ही सिर्फ रिटेल का काम है, नहीं तो बगल से गोली जा रही है, अंदर जाके कुछ इनका माल है जो कि बनता है वहाँ पे, मैन्युफैक्चर होता है। आगे ना यहाँ पे एक भैया लहंगे लगाते हैं कुतुब रोड पर ही, ये फैजल भैया सुहेल भैया नहीं है, वो लोग आपको सदर बाजार मेन रोड पर मिलेंगे। तो यहाँ पे लहंगों की जो स्टार्टिंग है वो 1200 रुपये से हो जाती है। कहीं से भी आप कुछ भी लेना, अच्छे से ठोक बजा के देख के लेना, और रेंज अगर आपको लगे कि यार मेरे बजट से बाहर है तो मत लेना। यहाँ पे एक नहीं हज़ारों ऑप्शन है हर चीज़ के, कोई ज़बरदस्ती शॉपिंग नहीं करनी है कभी भी कहीं से भी। आगे आप इतना सारा सामान लोगे तो लेके कैसे जाओगे लगेज में, तो यहाँ पे आपको लगेज मिल रहे हैं। पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये दो का सेट है, प्राइस मैंने कोट कर दिया है। और ये जैसा क्या बताऊँ प्लास्टिक वाला मटेरियल आता है ना, ये वो वाला है, ठीक है, वैसे चलता है अच्छा। और नीचे आप ऐसा ट्रैवलिंग बैग ले सकते हो, 400 रुपीज़ की रेंज में है। नीचे जो आप ये अटैची देख रहे हैं, लगेज देख रहे हैं, ये कपड़े वाला है। अगर आप इसमें दो अटैची लेते हो अलग रेट लगेगा, तीन अटैची लेते हो तो अलग रेट लगेगा, फ़र्क आपने देख ही लिया होगा। इसमें कलर वगैरह बहुत सारे हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि कुतुब रोड पे कभी भी कहीं भी कुछ भी मिल जाता है, वो भी किसी भी रेट में, तो आओ ऐसी शॉप में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे छोटू सा बेबी अपनी शॉप लगा रहा था गिफ्टिंग के लिए, इस रेट में ये आइटम सिर्फ यहीं मिल सकते हैं। तो सामने ना माँ मनिहारी नाम से एक कॉस्मेटिक की दुकान है, ठीक उसके सामने ये छोटू भाई की दुकान आपको मिल जाएगी। अब ये मत कहना कि आद्या इनकी दुकान का कॉस्मेटिक का वीडियो बनाओ, भाई मैं कॉस्मेटिक का वीडियो नहीं बनाती नहीं बनाती नहीं बनाती। और आप अभी लगाओ सड़क छाप कॉस्मेटिक अपने मुंह पे, बाद में जब कुछ साल बीत जाएंगे ना, तब आपको उसका फ़र्क पता चलेगा अपने ऊपर। कितनी बार मैंने आपको लोगों को बोला है पटरी का मेकअप नहीं लगाना है, आप सोच के देखो सारा दिन वो धूप में पड़ा सड़ता रहता है। जबकि किसी भी अच्छे प्रोडक्ट को अगर आप परचेज़ करते हो दुकान से, उसमें लिखा होता है कि इसे डायरेक्ट सन हीट से, सन लाइट से दूर रखना है, सूर्य की जो रोशनी है इस पर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हर क्रीम में हर लिपस्टिक में केमिकल होता है। और यहाँ पर सारा दिन सड़क पर पड़ा सड़ता रहता है, और बाद में आप उसे अपने फेस पर लगा लेते हो, वेरी गुड। नहीं करना ये सब, अपनी स्किन से प्यार नहीं है क्या? बाद में फिर आपको पता है कैसे कैसे चरम रोग हो जाते हैं। प्लीज़ मत लगाओ, एक चुकंदर काटो पूरा लाल कर लो फेस, सुंदर लगोगे उससे अच्छा, और स्किन भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा यहाँ पे ना नेक्स्ट आपको फुटवेयर मिल जाएंगे, बॉयज़ के मतलब के भी हैं और बच्चों के मतलब के भी हैं। तो ये 50 से 70 रुपए की सेल थी, मुझे यकीन नहीं हुआ वाकई, पर एक और भैया आए उनको भी अंकल ने सेम रेट बताया था। फ्लोटर ले लो, चप्पल ले लो, मतलब 100 के अंदर अंदर आप मान सकते हो। तो ये कॉस्मेटिक की शॉप के जस्ट आगे ही जाके भैया बैठते हैं। एक भैया ने तेलीवाड़ा चौक के आसपास पूरी की पूरी बर्थडे आइटम वाली दुकान लगा रखी थी। इनके पास में पहले तो आप थीम देख सकते हो, जो पीली साड़ी में लड़की है ये अपना हल्दी फंक्शन मना रही है, जो हरी ड्रेस में लड़की है ये अपना मेहंदी फंक्शन मना रही है, और बहुत सारे एनिवर्सरी बर्थडे, बर्थडे में जितना कार्टून होता है ना, जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं आपके बच्चे का जो भी फेवरेट हो, वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो सारा बाहर ही लिखा होता है, 130 रुपीज़ का है, चाहे कोई भी आप पिक कर लो। और नीचे अगर आप अलग से बहुत सारे बैलून्स लेना चाहते हैं तो वो पैकेट आपको मिल जाएगा, 50 रुपये का पैकेट है, जिसमें कि 100 मिलेंगे और 10 तो ख़राब ही निकलते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा नेक्स्ट आपको यहाँ पे होम डेकोरेशन के पर्पज़ से बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप मिलेगी। कुतुब रोड को ना आप आगे पकड़ के बिल्कुल सीधे 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 चलते जाओ, जहाँ पे क्रॉकरी मार्केट आने वाली होती है जो मैं आपको दिखाती हूँ, कोरियन चाइना वाली, तो उसके आसपास आपको और भी बड़े बड़े साइज़ के गुलदस्ते वाले आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे तो छोटे छोटे वाले हैं जो आप टेबल पे रख सकते हो। तो ये दीदी मुझे रेट ऐसे बता रही थी जैसे नाश्ता करके नहीं आई थी, बिल्कुल जैसे मन ही नहीं हो बताने का, मैंने बहुत मुश्किल से कान लगा के सुना है। आगे आपको ऐसे ना कॉस्मेटिक के ज्वेलरी के बॉक्सेस मिल जाएंगे, वैनिटी बॉक्स आप इसे कह सकते हो, जो कि प्लास्टिक नहीं गत्ते का बनाया होता है और कुछ टाइम तक चलता है, उसके बाद ही आपका साथ छोड़ देगा। इससे पहले कि वो साथ छोड़े अपना सामान इसमें से बाहर निकाल लेना। नेक्स्ट यहाँ पे बेबी गर्ल्स और बेबी बॉयज़ के फुटवेयर मिल रहे थे। ये भैया पता नहीं क्यों सब पे भड़क रहे थे, तो मैंने ज़्यादा हिम्मत नहीं की इनकी दुकान पर रुकने की, बाकी सब आइटम 100 रुपये का था। तो पहले मैंने आपको स्टील के बर्तन दिखाए, और यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम के बर्तन भी मिल जाएंगे, जो कि बार्गेनिंग आप ज़रूर करवा लेना। इसके बाद यहाँ पे लेगिंग मिल रही है और प्लाजो मिल रहे हैं चिकन कढ़ाई के साथ में। तो लेगिंग है 200 की, जिसमें कि इंटरलॉक है, बाहर से ही दिख रहा था, और ये जो है प्लाजो है सारे 200 रुपए के,
चिकनकारी की, इसमें बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है और भैया ने बोला कि साइजेस सारे मिल जाएंगे। तो सामने आपने देखा क्या बोर्ड लगा हुआ था, इसके ठीक पास में भैया की दुकान है। स्टडी टेबल्स यहाँ पर मिल रही थी बहुत सारी, इन भैया ने जो रेट बताया भाई बिल्कुल इस रेट में ये नहीं मिलती, 220 रुपये में मिलती है सदर बाज़ार में, कहीं भी पता कर लेना, कोई 210 में भी दे सकता है, 280 इज़ कॉस्टली। तो बच्चों के जो खिलौने हैं ना वो यहाँ पर आपको हर कदम पर मिलने वाले हैं, किसी भी एक ही दुकान से सारी शॉपिंग मत कर लेना। तो यहाँ देखो मेट्रो का काम चल रहा है, ऐसे पीली पीले रंग का पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, कंटेनर टाइप का, इसके ठीक सामने मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर ये सारे बच्चों के आइटम्स मिल रहे हैं। इनके ठीक बराबर में आपको भैया मिलेंगे जिनके पास की बच्चों के आइटम होते हैं लेकिन ये फ्रेश नहीं है, ठीक है, फ्रेश नहीं है इसीलिए सस्ते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को चीपू चीपू करा के चुप कराना है तो ये आप ले सकते हो, 50 रुपीज़ के तीन है, कुछ भी आइटम ले लो। और कमेंट करके बताओ कि किस किस ने ये वाला कार्टून देखा हुआ है, मैं बचपन में बहुत देखती थी टेलीटबीज़, मैं वेट करती थी इसका। तो ये हमारे जटायु महाराज मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, और इनके पास में ना आपको इम्पोर्टेड डॉल मिलेगी जो कि आप किसी शॉप से अगर फ्रेश खरीदते हो तो हज़ारों में आती हैं, बट यहाँ पे भैया के पास में 150, 200, 250 इस तरीके के रेट में मिल जाएगी क्योंकि क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है। बस आप पॉलीथीन से बाहर निकाल के उसके हाथ पैर चेक कर लेना। अब ये पीस देख लो कितना प्यारा है, भैया ने बोला 200 का है 150 लग जाएगा, इतनी क्यूट है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी है, एकदम साफ़ सुथरी नहाई धोई सी ये गुड़िया है। तो भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने शेयर कर दिया है, ये ना सीलमपुर में भी लगाते हैं, नीलम दवाखाना वाली गली में, तो मैं भी इनसे बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, जब करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो आगे यहाँ पे भैया ने फैंसी कुर्ती प्लाजो का सेट लगाया हुआ था विद दुपट्टा 550 रुपये की रेंज में, 500 या 550 प्लीज़, 50 रुपये का डिफरेंस मेरे को याद नहीं आ रहा, कंफर्म कर लेना। और इनके पास में भी नीचे कॉटन का कुर्ती प्लाजो मिल जाएगा 250 का, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। सामने सारा चिकनकारी कुर्ती है जो कि लाइनिंग के साथ आपको मिल रहा है और इसमें बहुत प्यारा हैवी वाला मिरर वर्क भी है पेस्टेड में, तो ये रहेगा आपका एक कुर्ती 250 का, साइज़ कोई भी आप ले लो। तो इस बार होगा था कुतुब रोड पर चमत्कार, भाई कुतुब रोड पर पहली बार मैंने ड्रेस भरी के आर्टिकल देखे हैं, ये सेल है सिर्फ 150 रुपये की और आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर ड्रेस पे ही लिखा हुआ है, कहीं से भी ये घिसी हुई नहीं लग रही थी या पहनी हुई नहीं लग रही थी, थोड़ा सा इनका जो स्टॉक है पुराना ज़रूर लग रहा था बट यूज्ड नहीं लग रहा था, यूज्ड की अलग ही पहचान होती है, बट ये यूज्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में। इनकी लोकेशन के लिए मैं दिखा दूँ यहाँ पे, अब क्या दिखाऊँ आसपास, देखो मेट्रो का ऐसा बोर्ड लगा हुआ है एंड ये भैया अपना पूरा फुटवेयर का कलेक्शन लगा रहे हैं। इनके थोड़ा सा आगे मैं गई तो यहाँ पे मुझे ब्लाउज़ और साड़ी वाले भैया मिले, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉर्जेट भी है, विचित्रा सिल्क की भी साड़ी है, सेल एक ही फिक्स प्राइस में है, कोई भी साड़ी आप पसंद कर लें, ओपन करके चेक करके ज़रूर देखना। और इनके पास में आपको रेडीमेड ब्लाउज़ मिल जाएंगे जो कि ओके ओके है, अगर आपको थोड़े अच्छे फैंसी ब्लाउज़ चाहिए तो आप सदर बाज़ार मेन रोड पर जा सकते हो, ये वाले भी अच्छे हैं लेकिन आजकल जैसे थोड़े बड़ी बाजू वाले चल रहे ना तो वो आपको मिलेंगे क्या कहते हैं सदर बाज़ार मेन रोड पे। इनके आगे एक दुकान मैंने देखी, यहाँ पे भी ब्लाउज़ मिल रहा है और पेटीकोट मिल रहा है, तो कॉटन के फैब्रिक का थोड़ा सा फ़र्क है, एक क्वालिटी है 100 वाली, एक है 120 रुपए वाली, शायद घेर का फ़र्क हो सकता है, ओपन करके देखना भाई, कलर इसमें बहुत सारे हैं और पीछे ब्लाउजेज़ लगे हुए थे रेडीमेड वाले, उनकी क्वालिटी ओके ओके थी, मैंने प्राइस इसीलिए नहीं पूछे। देन यहाँ पे रैंडमली एक भैया जो है भगवान जी के वस्त्र सेल कर रहे थे, अगर आप लोगों को भगवान जी के वस्त्र बनाने के लिए कपड़ा लेना है तो वो मैंने आपको चांदनी चौक में नई सड़क पर दिखाया हुआ है और वहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन भी ले सकते हो, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिस्ट में जाके आप देख लेना, ठीक है, वहाँ पे हर तरीके का फैब्रिक आपको मिलेगा भगवान जी के वस्त्र बनाने के लिए। यहाँ मैं लक्ष्मी जी के चरण दिखाने की कोशिश कर रही थी पर भैया ने बोला अपने चरण यहाँ से आगे ले जाओ, तो मुझे भगा दिया, अब मैं क्या करूँ। अब जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ भाई ये भी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, मतलब इस बार तो बिल्कुल ही अलग, ऐसा लग रहा था मैं किसी मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ भाई, ऐसी ऐसी क्वालिटी और ऐसी ऐसी चीज़ें, ये देख लो आप इतना प्यारा प्रिंट में, पूरा तीन का सेट है ट्रे का और रेट आपने देखा, और ये गोल्ड वाली तो बहुत ज़बरदस्त है सर्विंग के लिए, ओनली 120 रुपीज़, आराम से किसी भी शॉप में 300 के मिलती है यार। तो ये नए नए डिज़ाइंस हैं और अलग अलग साइज़ हैं, इनकी शॉप का कार्ड मुझे नहीं मिला, भैया ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थे बतिया रहे थे, तो लोकेशन आप देख लो, सामने जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे वीरेंद्र सिंह का ये अखाड़ा है, ठीक है, यहाँ पे अखाड़ा है, सामने अखाड़े के बिल्कुल सामने एक गली आती है उसमें शुरुआती में ही आपको ये दुकान मिल जाएगी, सारा का सारा इनके पास में क्रॉकरी आइटम रहता है, ठीक है।
तो अब मैं वापस से कुतुब रोड पर ही आ गई हूँ। बस ये क्रॉकरी वाली दुकान दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा गली के अंदर गई थी, अब मैं वापस से कुतुब रोड पर हूँ। और यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर माता रानी की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। जो फर्स्ट मूर्ति रखी हुई है मार्बल डस्ट में है, ये थोड़ी सी भारी रहती है। और बाकी जितना भी आप देख रहे हो ये जो थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है ना, वो वाला है। कैसे बताऊँ, देखने में वेलवेट कह रही हूँ, कपड़े की आदत नहीं जा रही है, देखने में मार्बल है लेकिन वैसे लाइट वेट होती है। तो अमन भाई का नंबर भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है, इनसे घर बैठे आप ले सकते हो, लेकिन कम से कम जो शॉपिंग है वो 3,000 की आपको करनी रहेगी। आइटम इनके अच्छे हैं, अच्छा रहेगा कि अगर आप सदर बाज़ार में पहुँच के शॉपिंग करें तो। ये 90 रुपीज़ का है, ये रिटेल का ही रेट मैं आपको बता रही हूँ, सिंगल सिंगल पीस का। कोई बल्क मिलेगा तो अलग रेट लगेंगे। जगह जगह पे आपको टसल्स मिल जाएंगी हैवी वाली, 10 रुपये जोड़ी से यहाँ पे टसल शुरू हो जाती हैं। अभी जो देख रहे हो ये 20 रुपये जोड़ी है, और इससे छोटा जो डिज़ाइन है वो 10 रुपये जोड़ी आपको मिलेंगे। अब देखो, मतलब सदर बाज़ार में आ जाती है हरियाली जब मैं इन भैया को देखती हूँ, इनका कलेक्शन देखती हूँ, जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। ये हैं भैया बच्चों के जो कपड़े लाते हैं, सिर्फ बेबी गर्ल्स के लाते हैं, लेकिन इनके पास में जो कलेक्शन होता है वो आप किसी दुकान पे जाके लोगे तो 1,000+ में ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिल सकता। ये जो आप फ्रॉक्स देख रहे हैं ना, बेबी गर्ल्स की हैं, 1 ईयर से लेकर के यहाँ पे 12-13 साल तक की बेबी गर्ल का ड्रेस मिल जाता है, लेकिन सिंगल पीस सिंगल डिज़ाइन होता है। और ये हैवी वाला फ्रॉक जैसे बिक गया तो बिक गया, इसके और कलर डिज़ाइन आपको नहीं मिलेंगे। इतना प्यारा है ये, लगभग 11 ईयर की बेबी गर्ल का है, ओनली 400। और इनसे मैंने अपनी सिस्टर की बेटी के लिए कई बार शॉपिंग की हुई है, और वो फ्रॉक्स अभी भी एज इट इज़ हैं, उतनी ही सुंदर हैं। तो बिल्कुल इनकी शॉप रेकमेंडेड है। गुंगा पहलवान मैंने अभी आपको दिखाया ना, जिसमें पहलवान लिखा हुआ था अखाड़ा, उससे आगे आपको आना है और भैया की शॉप आपको राइट हैंड साइड पर मिल जाएगी। वो अखाड़े का बोर्ड है, बस इसी रोड पर आपको सीधे सीधे आना है। ये भैया ना तो ऑनलाइन देते हैं, ना ये आपको सदर बाज़ार में किसी और दिन मिलेंगे। तो जूम करके दिखा रही हूँ, वो अखाड़े का बोर्ड हुआ था पेड़ के नीचे, थोड़ा सा आगे आओगे यहीं पे भैया आपको मिल जाएंगे। इनका नंबर वगैरह नहीं है भाई, आपको शॉपिंग करनी है तो इन्हीं के पास यहीं पर आना होगा। तो नेक्स्ट है आपका सेल 10 रुपये का मात्र, इसमें कोई भी आइटम आप पिक कर सकते हो, 10 रुपीज़ की सेल है, सारा का सारा प्लास्टिक आइटम है। इसके बाद एक भैया आपको मिलेंगे रास्ते में जिनके पास में सारा कोरियन मटेरियल रहता है। तो जहाँ मैं आपको फ्रॉक दिखा के आई हूँ उसी रोड पर आपको सीधे सीधे चलना है। तो यहाँ जो भैया बैठते हैं ये सारा का सारा कोरियन एक्सेसरी रखते हैं। ये जो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा का पूरा पत्ता 80 रुपीज़ का है, अदर शॉप्स में मॉल्स में तो कॉस्टली ही मिलेगा। इनमें नए नए डिज़ाइन आते रहते हैं। ये जो मैं दिखा रही हूँ पूरा का पूरा नोज़पिन का पैकेट है, एक नोज़पिन मैंने 100 रुपीज़ की लाजपत नगर से ली थी, मुझे अभी भी याद है। और यहाँ देखो 60 रुपये में पूरा डब्बा मिल रहा है, मतलब वो भैया तो पक्का अभी मर्सिडीज़ ही चला रहे होंगे जिनसे मैंने नोज़पिन ली थी, वो भी किसी दुकान से नहीं, वो जो ट्रे बना के लेके घूम रहे होते हैं उनसे ली थी। बाबा भगवान, मुझे भी किसी ने लूट लिया। तो ये आपका लॉन्ड्री बैग है, छोटू वाला 50 का, बड़ा वाला 80 का। डिश वॉश अगर आप करते हैं तो साबुन और उसके साथ में स्क्रब रखने के लिए ये आइटम बहुत अच्छा है, प्लास्टिक से थोड़ी जो हायर क्वालिटी होती है ना, ये वो आइटम है। तो अंकल ना थोड़े से खड़ूस दिख रहे थे, सॉरी मैंने प्राइस नहीं पूछा क्योंकि ना सुबह सुबह गालियाँ खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी अंकल ने मुझे यहाँ पे चॉपर दिखा दिया, बस वो ये बता रहे थे कि इसमें पता नहीं कितने सारे तरीके के डिज़ाइन कट जाते हैं। तो ये हालाँकि कई लोग पहले भी जानते होंगे, आपके लिए ये यूज़फुल है या नहीं कमेंट करके बताना, ताकि बाकी लोग लेने से बच जाएँ या फिर अच्छा है तो ले लें। नीचे इनके पास में बहुत सारे लंच बॉक्स हैं, बहुत सारे 100, 150, 200 सब रेंज मिलेगी। और ये वाले अंकल हैं, इनके पास में भी एक बहुत प्यारा सा ग्लास था जो कि प्लास्टिक में है, बाद में ना ये वैसे फेड हो जाता है, ओके ओके है, बट बच्चों को दे सकते हो, टूटेगा नहीं। आगे यहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े आपको मिल जाएंगे 150 के 2, कोई भी 2 आइटम आप ले लो। इसमें गर्ल बेबी का भी है और बॉयज़ का भी है, अपर लोअर सब इसमें है। छोटे बेबीज़ के लिए कपड़े मैं आगे भी आपको एक भैया के पास में दिखाऊंगी। अभी क्या चल रहा है, जब आप कुतुब रोड पर आओगे ना, तो मैंने बताया ना एक ही रोड पे बीच बीच में मेट्रो का काम हो रहा है, तो आधे लोग लेफ्ट को चल रहे होते हैं, आधे लोग राइट को चल रहे होते हैं। तो आपको ना इन सारी लेन्स में जा के अंदर तक देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है। ये कोई बिल्कुल ही केक वॉक नहीं है कि बस आप सीधे चलते जा रहे हो और आपके रास्ते में सारी दुकानें आ रही हैं भाई। मतलब वीडियो में आपको शांति से दिखा रही हूँ, जो वहाँ होगा ना उसी पर क्या गुजर रही है उसी को पता है। मतलब मैं यहाँ पे पहुँची थी 7 बजे और 9 बजे तक भी मैं इस रोड से बाहर नहीं निकल पाई थी, इतना रश था। तो अगर आपको भीड़ भाड़ की आदत नहीं है भाई, मत आना इस मार्केट में, पहले बता रही हूँ। आके पछताओगे, फिर याद करोगे आद्या ने मना किया था, इसलिए पहले ही बता रही हूँ। तो यहाँ बीच बीच में बहुत सारे आपको जो है चूड़ी के स्टॉल मिल जाएंगे। एक भैया यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे
सेल कर रहे थे रिस्ट वॉच, गर्ल्स के, बॉयज़ के, बच्चों के, मतलब के सबके। तो इनके पास स्टार्टिंग 100 रुपये से हो जाती है, इन्होंने कहा कि लिमिट कोई नहीं है, मतलब क्या समझे हम, 15,000-20,000 की घड़ी भी मिल जाएगी। सामने आप देख सकते हो यहाँ पे महाकाल नाम से बोर्ड लगा हुआ है, इसके ठीक सामने भैया की दुकान है, बीच में फिर से मेट्रो का ये वर्क चल रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नाइटी चाहिए वो भी मिल जाएगी मात्र 100 रुपये में। ये वाला तो कपड़ा सिंथेटिक था, जो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल में आता है ना, वैसा वाला कपड़ा था, और इसमें मुझे कोई बड़े साइजेस देखने को नहीं मिले। दूसरी जो वैरायटी है इसमें कॉटन मिक्स और प्योर कॉटन दोनों था। सो ये है आपका 150 रुपीज़ का, इसमें भी मुझे कोई बड़े साइजेस नहीं मिले, मतलब मीडियम लार्ज तक मिल जाएगा, उससे बड़ा नहीं था। तो ये है अपना सारा 150 रुपीज़ की रेंज में। इसके बाद यहाँ पर एक नन्ही परी ने बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लगाया हुआ था ज्वेलरी का, ये जितने भी सेट आप देख रहे हैं 120 रुपीज़ की सेल में है। और बच्ची क्योंकि संडे था इसलिए यहाँ पर आई हुई थी, वैसे वो स्कूल जाती है, पर मैं हैरान हूँ देख के कि मतलब कई बच्चे संडे के दिन एंजॉय करते हैं, 11-12 बजे उठ रहे हैं, और ये बच्ची सुबह 7 बजे यहाँ पर थी शॉप पर, मतलब पेन लेके आई हुई है, बताओ उसमें भी। शी वॉज़ वेरी क्यूट एंड हर नेम इज़ शालिनी। नेक्स्ट आपको जो मैं शॉप दिखा रही हूँ इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंशन कर दिया है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम रेंज में वॉल सीनरीज देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें डिज़ाइंस आप देख सकते हैं। अगर आपको गॉड फिगर चाहिए, नेचर से रिलेटेड चाहिए, या कुछ ऐसे होते हैं ना 7 घोड़े भागते हुए सोते हुए, कुछ जो भी अलग अलग क्राइटेरिया है, ऐसे ही कहीं पे भी कुछ नहीं लगाते, हर चीज़ के बारे में पहले स्टडी कर लेना उसके बाद लगाना, क्योंकि हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, अच्छा भी कर सकता है उल्टा भी कर सकता है। तो ऐसे ही किसी के बोलने पर मत लगाना, हर चीज़ को पहले से अच्छे से जान लेना। सो यहाँ पर भैया के पास मतलब जो प्रिंट्स हैं ना सारी सीनरीज में बहुत HD वाले हैं, जैसे कि हम देखते हैं फ़ोन्स में बिल्कुल HD वाले देख सकते हो यार, तो वो क्वालिटी मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, इसलिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है। तेलीवाड़ा चौक से थोड़ा सा पहले ही इनकी दुकान आपको मिल जाएगी। तेलीवाड़ा चौक पे फ़िलहाल इन लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा कि कौन से त्यौहार का सामान बेचें, तो ये लोग मास्क बेच रहे हैं। नहीं नहीं अभी देखो रामलीला का मंचन होगा ना जगह जगह पे, तो ये सब मास्क बहुत काम आते हैं। राम जी का भी मास्क आ गया है, रावण का आ गया है, हनुमान जी का आ गया है, माता रानी का भी मास्क एक बना हुआ है इसमें। तो इन भैया के पास में तो कोई भी आइटम आप लो 40 रुपये में 10 पीस वो दे रहे थे, मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि आगे एक भैया हैं वो एक पीस भी 40-50 का दे रहे थे। अब ये कैसे डिफरेंस हुआ मुझे नहीं पता। आप यहाँ पे पहुँचोगे ना इतने सारे मास्क हैं सबके, मतलब कि मतलब आपके घर में अगर मान लो आपके बच्चे का बर्थडे है तो कुछ आप बॉयज़ के लिए ले आओ बंदर वाला, क्योंकि बॉयज़ तो होती हैं बंदर, और कुछ ले आओ गर्ल्स के लिए प्रिंसेस वाला। खैर नहीं, यहाँ पे डोरेमोन वाला भी है, यहाँ पे भीम वाला भी है, भीम की शक्ति तो उन्हें, छोटू मोटू पतलू सब हैं। आगे जो भैया की दुकान में दिखा रही हूँ इनके पास में देखिए हनुमान जी भी हैं, और बगल में भूत भी पड़ा हुआ है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम पुकारे, तो ये सारे भूत अभी यहाँ से उड़ जाने वाले हैं। हनुमान जी के बहुत सुंदर सुंदर मुखौटे यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये देखो भाई ब्लैक लिप्स वाला, ये 50 रुपीज़ का एक है। बट देखो यार कुछ भी लेना किसी के साथ में, ऐसा कोई प्रैंक मत करना कि उसकी जान चली जाए, ऐसा कुछ मत करना, एक लिमिट में करना, क्योंकि मुझे पता है लोगों के दिमाग में ऐसे मुखौटे लगा के क्या क्या आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। सो अब जो मैं आपको दुकान दिखा रही हूँ इसकी लोकेशन तो बताना इम्पॉसिबल है, बस आप इतना समझ लो कि यहाँ पे जो पत्थर वाली दुकानें लिखी थी उसके ठीक सामने बिल्कुल नीचे ये सब दुकानें मैंने देखी, और इसके बाहर था दिल्ली बोर्ड का जो ये मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के पीछे दुकानें लगा के भैया लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर मिल रहा है ये खजाना जो आप लोग कहते हो ना 10-20 वाले इयररिंग, भाई वो यहाँ मिल रहे थे। अब इसके लिए आपको कुतुब रोड पर आके स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कहीं भी बोर्ड दिख रहा हो उसके पीछे झांक के ज़रूर देखना कि दुकानदार बैठे हैं या नहीं। 20 रुपीज़ का मग मिल रहा है, क्लिप्स हैं, इस तरीके के रबर बैंड्स आपको मिल जाएंगे, ये मेटल में था सारा का सारा 10-10 रुपीज़ की सेल में। तो वो जो क्लिप्स मैंने आपको लंबी लंबी दिखाई वो तो मैंने भी ली हैं। इनकी दुकान से बगल में एक और भैया ने यहाँ पे पूरा इयररिंग्स का सेल लगा रखा है, देख रहे हो 50 रुपीज़ का ये पूरा का पूरा पत्ता आप ले सकते हो, और फिर आप एक एक एयरिंग 50-50 रुपये में बेच सकते हो। तो ये है कुतुब रोड, और ये है यहाँ का कलेक्शन, मतलब कबाड़ में भी यहाँ पे सोना मिल जाता है। तो इसमें ना अलग अलग सारे डिज़ाइन थे, और सारे के सारे पत्ते देखो भरे हुए हैं। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इसीलिए लिख दिया है क्योंकि इनकी लोकेशन मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है। आगे एक भैया के पास में गिफ्ट आइटम्स थे। अब गिफ्ट आइटम यहाँ पे ऐसे नहीं होते कि बिल्कुल भाई जैसे आरजीज़ में रखे होते हैं सजे सजाए, कुछ टूट फूट भी हो सकती है, तो आपको अच्छे से चेक ज़रूर करना है। नीचे देखो ये सारा गिफ्ट आइटम रखा हुआ है,
कुछ आपको ऐसा लगेगा कि उसको धोने की ज़रूरत है, कुछ आपको लगेगा इसको रिपेयर कराने की ज़रूरत है, तो जैसा जिसको बजट में लगे आप ले सकते हो। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे जो नीचे छोटे छोटे ज्वेलरी के ये बनाए हुए हैं ना, ये बहुत क्यूट लगे। एंड ये क्या बोलना चाहिए, बोन चाइना जैसा मटेरियल होता है ना, सिरामिक है, हाँ सिरामिक है, सारे ही बहुत क्यूट थे। कुछ थे जो म्यूज़िकल थे, पर उसमें म्यूज़िक तो रहा नहीं उसकी आत्मा उड़ चुकी है, पर वैसे बहुत प्रेजेंटेबल है, बहुत सुंदर है। तो इन सब के अलग अलग प्राइजेज हैं। हर संडे तो सेम माल आपको मिलेगा नहीं, हर बार कुछ नया नया आता है। तो जब आप कुतुब रोड विजिट करें आप यहाँ पर भी आ जाइएगा। इनका नंबर मेरे पास नहीं है क्योंकि इनके पास में जो सामान था वो थोड़ा टूट फूट वाला था, और इनके बराबर में फिर से एक बच्चे ने यहाँ पे पूरा रिबन का सेल लगा रखा था, और यहाँ से मैंने 5 पैकेट लिए हैं। ये सारे ना अभी विंटर्स आएंगे ना, उसके साथ में स्वेटर पे लगाने में बहुत क्यूट लगेंगे। मतलब ये ऊनी रिबन और उसके साथ में क्रोशिया के फ्लावर्स, किसी में बटरफ्लाई शेप में, किसी में फ्लावर, इतने क्यूट लग रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे भैया के पास में बैंगल्स का सेल था 10 रुपये का। जब मैं उठा रही हूँ तो देख रहे होंगे ना 5-6 इकट्ठी साथ में आ रही हैं, तो ये 10 रुपये का पूरा आपका गुच्छा है, और इसका मटेरियल था सीप का। अब मैं वो दुकान आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर मैं आपको हमेशा किनारी बाज़ार वाला सामान दिखाती हूँ। लकीली जब मैं पहुँची तो ये सारा का सारा सामान ऑलरेडी किसी बंदे ने ले लिया था बल्क में, सेल आउट हो चुका था ये। तो भैया कह रहे मत बनाओ वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है। वो अंकल कह रहे कोई बात नहीं बनाने दो, जिन्होंने लिया था वो कह रहे थे। तो देख लो भाई ऐसा सब सामान मिल जाता है कुतुब रोड पर। अब ये तो सब बिक गया। इनके बराबर में जो भैया बैठे हैं इनके पास में भी सारा किनारी वाला सामान है। मतलब इनके पास आपको मिल जाएगी लेसेस बड़ी अलग अलग फैंसी फैंसी, और ये सारे के सारे टसल हैं, जो कुशन वाले टसल आते हैं ना, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, लाइट वेट के हैं। और ये पैकेट इन्होंने पॉम पॉम के बना के रखे हुए थे, मैरून कलर है, ग्रीन कलर है, ये आपकी फिर से हैवी वाली टसल आ गई। तो इनके सबके अलग अलग रेट है, बस मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ, ये यहीं पर मिलेंगे हमेशा, MR कॉस्मेटिक और ज्वेलरी कुतुब रोड पर, राइट साइड में इसका बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, यहीं पर ये भैया अपनी दुकान लगाते हैं। तो ये सारा तो फिलहाल सेल आउट हो गया था, देखते हैं अगली बार ये क्या लाएंगे। और इसके बाद मुझे क्या मिला, हाँ इसके बाद मुझे यहाँ पे एक पटरी पर भैया मिले जो कि बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ के कपड़े सेल कर रहे थे, ओनली 20 रुपीज़। तो MR कॉस्मेटिक का जो मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया ना, बस आप उसके नीचे ही चलना, सीधे हाथ पे ही आपको सीधे हाथ पे ये दुकान मिल जाएगी। शटर गिरा हुआ था, उसके आगे भी ये भैया बैठे हुए थे। 20 रुपये में कोई भी एक कपड़ा आप ले सकते हो। इसमें वार्मर भी है छोटे बच्चों के लिए, और हाथ में पैर में पहनाने के लिए इस तरीके का आप सॉक्स टाइप ले सकते हो, और बच्चों के बर्थडे का, होम डेकोर का, यहाँ पे सब 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 मिलता है। बस आपको बैठ के छांटने वाली मेहनत करनी पड़ेगी। सबके अलग अलग रेट हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 30, 50, बस ऐसे ही सब रेट होते हैं इन सब कबाड़ में, उससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। फिर एक भैया ने यहाँ पे प्लेट्स लगा रखी थी सेल में, बिल्कुल जैसे नरलाज वगैरह में या हल्दीराम में जो प्लेट्स होती है ना वैसी वाली, तो ये थी 180 की 12। और इसके बाद कुतुब चौक आ गया, और वहाँ पे क्या धक्का मुक्की होती है आपको तो पता ही है, बस जान बचा के घर वापस आते हैं हम लोग किसी तरह। सो ये ब्लॉग आज यही खत्म कर रही हूँ, कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सदर बाज़ार के इसी तरीके के और बहुत सारे ब्लॉग्स आने बाकी हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस।